देश भर के मौसम को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली NCR का मौसम हुआ सुहावना। कई इलाकों में हो रही है हल्की बारिश, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां हल्की धूप के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार न केवल दिल्ली बल्कि अन्य 10 राज्यों के लिए भी अगले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं UP और MP में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश होने की संभावना है। बात यूपी की करें तो यूपी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इन दिनों यूपी में चक्रवाती तूफान याकी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक यूपी के कुछ राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां हल्की धूप के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा यूपी और MP को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के मौसम को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली NCR का मौसम हुआ सुहावना। कई इलाकों में हो रही है हल्की बारिश, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां हल्की धूप के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार न केवल दिल्ली बल्कि अन्य 10 राज्यों के लिए भी अगले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं यूपी और MP में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश होने की संभावना है। बात यूपी की करें तो यूपी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इन दिनों यूपी में चक्रवाती तूफान याकी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक यूपी के कुछ राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां हल्की धूप के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा यूपी और MP को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के मौसम को लेकर बड़ी खबर, दिल्ली NCR का मौसम हुआ सुहावना। कई इलाकों में हो रही है हल्की बारिश, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां हल्की धूप के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार न केवल दिल्ली बल्कि अन्य 10 राज्यों के लिए भी अगले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं यूपी और MP में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश होने की संभावना है। बात यूपी की करें तो यूपी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इन दिनों यूपी में चक्रवाती तूफान याकी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक यूपी के कुछ राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां हल्की धूप के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा यूपी और MP को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।